मैं इमरान और आप देख रहे हैं टेक इंडिया नॉलेज। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा, 21 दिन का लॉकडाउन हो चुका है पूरे इंडिया में, जिसकी वजह से सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं। सारे जितने भी बिजनेस, जितने भी जॉब्स, सब पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमारी इंडिया की इकनॉमी पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसकी वजह से काफ़ी जो है पैसे का आदान प्रदान कम हो गया, इस वजह से इकनॉमी में तो फ़र्क पड़ना ही था। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि यार यूट्यूबर्स जो हैं हमारे, उन पे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ गाइस, बात तो सही है कि यूट्यूब एक ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस आप कह सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कह सकते हैं, लेकिन फ़र्क यार यूट्यूब पे ही पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए यूट्यूब पे लोग कैसे कमाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आपका स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एड्स एंड आप एक दो चीज़ें और हैं। लेकिन बात ये है कि जब ऑलमोस्ट सब लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई लोग ना कुछ ख़रीद रहा है ना कुछ बेच रहा है, तो यार जो बाकी कंपनीज़ हैं वो अपना ऐड क्यों करेंगी आपसे, गूगल से अपना ऐड क्यों करेंगी, उनको पैसे क्यों देंगी। सो अगर वो गूगल के पास पैसे नहीं आएंगे तो फिर हम यूट्यूबर्स को भी पैसे नहीं मिलेंगे ना। सो इस वजह से, और मोस्टली 90% कंपनीज़ ने एफिलिएट मार्केटिंग भी बंद कर दी है, क्योंकि जो एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अब एफिलिएट मार्केटिंग से जो आपको कमीशन आता था वो भी कल से नोटिस आ गई है कि एफिलिएट मार्केटिंग से जो कमीशन आता था वो भी बंद हो गया है। सो इस वजह से एफिलिएट मार्केटिंग से भी जो आप अर्निंग जो है आप नहीं कर पाएंगे, कब तक नहीं कर पाएंगे उसका कुछ अपडेट नहीं मिला है, लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं कर पाएंगे। सो बात रही स्पॉन्सरशिप की, स्पॉन्सरशिप से आप अभी थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। बाकी अगर यूट्यूब अर्निंग की बात रही फ्रॉम एड्स, तो फ़िलहाल एड्स के आप कुछ नहीं कह सकते। यूट्यूब ने भी कहा है कि अराउंड 75% तक हर यूट्यूबर्स की इनकम मिलेगी। यानी कि मान लीजिए अगर आप यूट्यूब से पर मंथ $100 या $150 कमाते हैं, तो आपको अराउंड $25 to $30 ही मिलेंगे इस बार। कि आप जानते हैं इस बार एड्स कमाएंगे तो आपको अर्निंग भी कम ही मिलेगी। सो काफ़ी परेशानी है, काफ़ी लोग परेशान हैं इसकी वजह से, हम लोग भी परेशान हैं। सो लेकिन ये हम लोग की ड्यूटी बनती है कि यार इस कोरोना वायरस को मारना और घर पे रहना हम लोग की भी ड्यूटी बनती है। कि यार आप जानते ही हैं कितनी ख़तरनाक बीमारी है। सो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हाँ थोड़े दिन की बात है, फ़र्क पड़ता है, सबको फ़र्क पड़ता है, पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती है। लेकिन क्या करें, थोड़े दिन की दिक्कत है, झेलनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, घर पे रहिए। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं यार जो रोज़ कुआँ खोद के पानी पीने वाले हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं आपके आस पड़ोस में, तो उनको भी ध्यान रखिए, उनकी भी हेल्प करिए। अगर वो उधार वगैरह मांगते हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप 21 दिन का लॉकडाउन बहुत छोटा टाइम नहीं है 21 दिन उन लोगों के लिए। तो जो भी आप अपना खर्चा कर थोड़ा संभाल के करिए, उनको दे सकते हैं। सो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।